जो लोग छोटी छोटी बातों पर लड़ाई के लिए बहाने ढूंढते हैं, अब ये उनकी आदत हो चुकी है कि किसी भी परिस्थिति में लड़ाई शुरू की जाए। यह लोग अक्सर अपने मन में लड़ाई के लिए पहले ही मुद्दों पर विचार कर चुके होते हैं और जब भी आपस में बात करते हैं तो इसी विषय पर बात करते हैं कि किस विषय पर लड़ाई की जाए। उनका उद्देश्य बस एक होता है कि किसी भी छोटी बात को बड़ा बनाया जाए और अनावश्यक तर्क वितर्क करके दूसरों को नीचा दिखाया जाए। यह लोग अक्सर एक नई लड़ाई के योजना में रहते हैं, फिर चाहे वो कितनी भी तुच्छ बात क्यों ना हो, उनको लड़ाई करने का मन हमेशा रहता है। ऐसा लगता है कि इन लोगों के पास जीवन में कोई और उद्देश्य नहीं है जिसके ऊपर उन्हें ध्यान देना चाहिए। इसलिए शायद वो अपने जीवन में मनोरंजन बनाने के लिए दूसरों से लड़ाई और हमेशा शिकायती बना रहना चुनते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस व्यर्थ के विवाद और तर्क वितर्क से अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते। वे समझते हैं कि इस लड़ाई झगड़े में उलझने से बेहतर है परिस्थितियों को नजरअंदाज किया जाए और अपने रोजमर्रा के जीवन को जारी रखा जाए। ऐसे लोग यह मानते हैं कि इस व्यर्थ के विवादों में उलझने से मानसिक शांति और समय दोनों की बर्बादी होती है और वह अपने जीवन में सकारात्मकता और शांति को प्राथमिकता देते हैं।